हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आ गए हैं और एक नई ब्लॉग वीडियो लेके। तो चलिए पहले रुके, थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए मैं क्या बोल रहा था, आज की ये नई वीडियो, चलिए आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आज का जो ब्लॉग वीडियो होने वाला है वो आज इस नई रूट में मैं आज ब्लॉग वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। इससे पहले कभी इस रूट में ब्लॉग वीडियो रिकॉर्ड हम लोगों ने नहीं किया था। तो आज का जो ये रूट है, न्यू रूट है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में आगे वाला है आगे मज़ा। तो आज चल रहे हम लोग नई जगह पे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं आगे बढ़ते बढ़ते। और इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने अपलोड किया है ब्लॉग 34, वो अभी तक आपने वॉच नहीं किया उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के एंड में भी आपको शो होगा, तो आप वहाँ से भी उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो को पूरा वॉच करके ही जाइएगा। तो आज जो चल रहे हैं हम लोग, वो मंदिर वैशाली का काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है। वो वैशाली में भूया बाबा के नाम से वो जाना जाता है। तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि मंदिर आज खुला है या बंद, वो तो मुझे पता नहीं हुआ, जाने के बाद ही पता चल पाएगा। अगर मंदिर खुला हुआ तो पूरा अच्छा से वहाँ से घूम के निकलेंगे और नेक्स्ट राइड का प्लान जल्दी बनाएंगे, कहीं दूर निकलेंगे यहाँ से अगर मंदिर खुला हुआ तो, क्योंकि लॉकडाउन तो अभी भी है यहाँ पे, इसीलिए कहीं अभी बाहर जाने का प्लान नहीं बना रहा हूँ। क्योंकि अभी कहीं भी चलेंगे वहाँ ज़्यादातर अभी जगह बंद ही रह रहा है और रोड में प्रॉब्लम भी पुलिस अभी कर रहा है, इसलिए अभी ज़्यादा कहीं बाहर नहीं निकल रहा हूँ। लोकल एरिया में ही अभी बस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो गाइस, उससे पहले आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कीजिएगा, पर रीज़न नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उसे नेक्स्ट वीडियो में मैं सुधार कर पाऊँ। और कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और कैसे हो आप सभी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो कंटिन्यू वीडियो बन रहे, बस बढ़ते हैं आगे और फिर मिलते हैं आगे आपसे, तब तक वीडियो का मजा लीजिए।
बस पहुंचने वाले ही है, अब यहाँ से पास में ही जाना है। आज का जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, फिर भी बारिश का कोई गारंटी नहीं है। मौसम तो बढ़िया है पर बारिश का कोई गारंटी नहीं है गाइस, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकता है यहाँ पे। तो बस यहाँ से पास में जाना है, ज़्यादा दूर नहीं है। बस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, बस वीडियो को थोड़ा देर में एंड ही कर देंगे। पहले आप लोगों को मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो दिखा दूँ। और अभी जो जगह हम लोग पहुँचने वाले हैं, जगह का नाम है भुइयां बाबा के नाम से, ये फेमस है। अभी भी आप YouTube पे अगर सर्च करते हैं भुइयां बाबा लिख के तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो आपके सामने खुल के आ जाते हैं और मिलियंस में उस वीडियोस पे व्यूज़ होते हैं। वो देखिए आपको दिखाई दिया होगा। अभी चलिए पहले वहाँ चलते हैं, पूरे बढ़िया से अंदर से घूम के आते हैं, देखते हैं अंदर खुला हुआ है या नहीं। मेन गेट तो है खुला हुआ, चलिए अंदर चल के देखते हैं पहले। तो ये वो जगह है, ये देखिए ये वो मंदिर। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा सुनसान है और ये भी अंदर तो अभी बंद है, पूरा बासुस लगा हुआ है आगे, आप देख पा रहे होंगे। तो अंदर तो नहीं जा सकते पर बाहर से ही राउंड मार के आप लोगों को दिखा देता हूँ, बाहर से राउंड मार के और यहाँ से निकलेंगे बस, क्योंकि अंदर अभी नहीं जा सकते हैं। और फिर कभी आएंगे जब मंदिर खुल जाएगा तो आपको पूरा अच्छा से अंदर भी मैं आप लोगों को घुमाऊँगा और दिखाऊँगा अंदर क्या है। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा दूध यहाँ पर डाला जाता है, और ये देखिए यहाँ पर दूध को स्टोर किया जाता है पूरा यहाँ पे। दूध जितना भी ऊपर से दूध डाला जाता है वो सब स्टोर होता है यहाँ काउंटर से, जो ख़रीदने वाले होते हैं ये सब यहाँ से लाइन लगा के दूध यहाँ से ख़रीदते हैं। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रखता है, अभी तो ये सब पूरा सन्नाटा है और यहाँ कुछ आवाज़ आ रहा है, बच्चा लोग शायद वहाँ पर खेल रहे हैं। तो ये सब देखिए पूरा बंद है अभी। एक समय ऐसा भी आता है यहाँ पर कि एक थोड़ा भी जगह नहीं होता है आदमी को और पूरा जगह आपको दूध पूरा गिरा हुआ रहता है, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे दूध डाला जाता है। मंदिर पे खुलने दीजिए, फिर एक बार नेक्स्ट टाइम आएंगे हम लोग और अच्छा से यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये है एग्जिट एरिया और ये है हवन कुंड, और देखिए बच्चा लोग क्या मज़ा ले रहे हैं। ये है बिहार का हॉकी, तो चलिए इन लोगों को खेलने दीजिए, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। आए थे वो काम तो नहीं हो पाया, मंदिर है बंद तो बस बाहर से ही देख लीजिए। भुइयां स्थान के नाम से ये जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पे बिहार में। और क्या कहूँ यार, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप लोग को यहाँ पे लेके आऊँगा तब इस जगह को आप लोगों को अच्छा से और भी दिखाऊँगा मैं। तो चलिए फ़िलहाल वीडियो को यहीं पर करता हूँ एंड, आज का जो वीडियो का मकसद था वो इतना ही था। तो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, टेक केयर, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को।